यूपी में मदरसों पर ताला लटकाने की जो कोशिश योगी सरकार लगातार करती आ रही थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल चुका है। योगी सरकार की मंशा पर देश की उच्चतम न्यायालय ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यकीनन योगी सरकार को झटका लगा है। देश की टॉप अदालत ने कहा है कि हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, मदरसा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानी को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले भी यह मामला कोर्ट में गया था, तब एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी और साफ कहा था कि मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलती रहेगी, साथ ही मदरसों का कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में शिफ्ट नहीं होगा। तो क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, योगी सरकार काफी समय से मदरसों का नामो निशान मिटाने की फिराक में थी, इसे लेकर कोई ना कोई हर बार नया बहाना दिया जाता, मगर अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ चुका है। आपको पहले मैं इसका थोड़ा सा रिकैप दे दूं। दरअसल 2021 में मदरसों के छात्रों के शिक्षा और अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसी पर योगी सरकार का आदेश आधारित था। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कई मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में इस अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है और फिर इस आधार पर एनसीपीसीआर ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और इससे जुड़े सभी मामलों पर क्लियरेंस दे दिया था, चाहे वो बच्चों के तबादले की बात हो या मदरसों के फंडिंग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले से लगभग 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17,00,000 छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब इसी फैसले की सुनवाई हो गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बड़ी राहत दे दी है। फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते, कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये कानून राज्य सरकार ने पास किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसा को रेगुलेट कर सकती है, यानी कि सरकार मदरसों में जो भी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जांच पड़ताल है वो कर सकती है और उसके कामकाज पर ध्यान दे सकती है। तो दोस्तों, इस फैसले के बाद ये तो साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब 17,00,000 छात्रों को बड़ी राहत मिली है। तो ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि योगी सरकार 2021 से ही मदरसों के पीछे पड़ गई थी, उन पर ताला लगवाना चाहती थी, मगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए एक तमाचे जैसा है। एनसीपीसीआर की आड़ में जो भाजपा यूपी और त्रिपुरा में खेल करना चाहती थी, उसकी तो बैंड सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी। तो देर से ही सही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर न्याय किया और यूपी सरकार की मनमानी नहीं चलने दी और उसकी माहौल बिगाड़ने की जो भी मंशा थी उसको ध्वस्त कर दिया। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।